नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के रामनगर से, जहां पर गौ माता की सेवा के लिए दलिये का भंडारा लगाया गया है और गौ रक्षा दल द्वारा जो ये भंडारा लगाया गया है। आप मेरे पीछे की तरफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर जो गौ माता और जो बछड़ा है उसकी कहानी सुनाई जा रही है, कीर्तन किया जा रहा है। तमाम जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस के हैं, आस पड़ोस के, वो यहाँ पर कीर्तन में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पर लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दलिया बनाया जा रहा है और जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं, जो सेवा कर रहे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना किलो का यहाँ पर दलिया जो बनाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर गौओं के लिए दलिया बनाया गया है। हमने आम तौर पर जो भंडारे देखे होंगे वो लोगों के लिए भंडारे देखे होंगे, लेकिन गौओं के लिए भंडारे जो हैं एक नई पहल है, जो पशुओं के लिए भंडारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मनीराम आर्य। मनीराम आर्य जी, क्या पद है आपके पास, क्या कुछ जिम्मेवारी है? वेद प्रचार जिला कैथल का प्रधान हूँ जी। कौन से संगठन से? आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा से जी। तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम किया गया है? आज का कार्यक्रम हमारा दलिया वितरण है, जो गाय को दलिया खिलाया जाएगा, ये मीठा दलिया रहने का जी। और सभी यहाँ गौ रक्षक और मतलब एक समाज सेविक लोग, यहाँ सभी धार्मिक लोग हैं जी, जो इसमें सारे मिलकर हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने मतलब जितना जिससे जो बनता है वो इतना दान देकर इसको चला रहा है जी। और ये हर दिन मतलब हर 15 दिन में ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी साथी यहाँ पर हैं जी। सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोहरलाल है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम गौ सेवा करते हुए कम से कम 7 साल हो गए हैं और ये हमारा 8वां भंडारा है। एक हमारा नया मेंबर बना है जिसकी खुशी के कारण आज हम 8वां भंडारा सुभाष भाई के घर में लगा रहे हैं जी। कौन मेंबर बने हैं, किस चीज़ का मेंबर बने हैं? ये गौ रक्षा का मेंबर बने हैं जी। हाँ, कौन बने हैं मेंबर? ये सुभाष भाई उधर बैठे हैं। अच्छा, उधर बैठे हैं। और मैं मनोहर लाल और सुरेश सैनी, और आज हम यहाँ सारा प्रोग्राम एडजस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं और हम ये जो मुहिम है जी, हम हर घर घर पहुँचाना चाहते हैं ताकि हर गौओं का इलाज हो सके, सेवा हो सके, घास फूस मिल सके। आपका संगठन कौन सा है? गौ सेवा रक्षा दल के साथ जुड़े हुए हैं जी जी जी। आज अच्छा एक चीज हो रही है, कितना आज ये 15 मन दलिया तैयार किया, आज 15 मन दलिया तैयार किया जी। तो कहाँ देंगे अभी आप? ये गौशाला में जाएगा और जो बाहर गौ हैं उनके लिए जाएगा, जो बाहर जो आवारा पशु हैं फिर रहे हैं उनके लिए जाएगा। अभी पीछे कुछ दिन पहले आवाज उठी थी कि आवारा पशुओं को जैसे कहीं ना कहीं रखने के लिए मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जगह जगह दुनिया भर के डंगर सड़कों पे खड़े हैं, कहीं बीमार खड़े हैं, कहीं कटे पटे खड़े हैं, जिनकी सेवा के लिए हमारे सेवादार रात दिन मेहनत करते हैं। और हमारा हॉस्पिटल चिनाना गेट गोरक्षक सेवा दल का बना हुआ है और हमारे सेवादार हैं, रात दिन गौ की सेवा के अंदर जुटे हुए हैं जी। आज ये कीर्तन है, किस प्रकार का कीर्तन? आज पार्टी कहाँ से आई हुई है? आज ये पार्टी कुरुक्षेत्र से हम स्पेशल बुलाते हैं जी। हमारे जो मित्र परम प्रिंस, उनके साथ हमारा प्रेम प्यार है, वो हमारा बड़ा शौक करते हैं हर चीज में और कई बार ये करा चुके हैं जी। तो युवा साथी भी यहाँ पर हैं जी। सर, क्या नाम आपका? क्या? मेरा नाम प्रिंस आर्य है जी। मैं मंत्री आर्य विरदल कैथल जी। ये वेद प्रचार का कार्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र आचार्य देववर जी महामहिम राज्यपाल गुजरात उनकी तरफ से ये कार्यक्रम चलता है। ये गौ रक्षा दल के साथ जुड़े उन हमें संदेश मिला कि भाई हम इनके साथ मिलकर कार्य करें। अब आज इन्होंने 15 मन दलिया तैयार करके गायों को वितरण करेंगे और इसमें पूरा कैथल सहयोग करें। और आज संख्या में हम थोड़े हैं, एक दिन ज़्यादा होंगे और धीरे 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 हम प्रयासरत हैं कि हम अपने पूरे कार्य को करते करते घर घर तक पहुँचें और हर गली तक जो गायें आज
तृष्णा के मोल में है उसको बचाएं। मैं आपके सभी दर्शकों को, पूरे कैथल को, इस कार्यक्रम में को कर रहे हैं मनोहर लाल जी, सुरेश जी, दलिया बना रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपका जो कार्यक्रम है वो सफल हो और आगे जो है आपका संगठन है और भी आगे जो है बढ़े, उसको और प्रयासरत रहें। तो मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं लोग और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये हलवाई है। आइए, तो ये सेवादार है यहाँ पर लगातार जो है हलवाई का काम कर रहे हैं। जी सर, कब से कर रहे हैं सेवा ये? ये हमारा 6-7 साल हो गए जी चलाने काम तो। जी हाँ, ये 8वां भंडारा लगाने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब भंडारे में सेवा कर रहे हैं, कोई पैसे पूछे तो लेते हैं? हाँ जी, गौ सेवा करते हैं जी हम तो, हमारे हमें तो आदेश मिलता है भाई काम कन्नन दलिया बनाना तो हम चले आते हैं। जी जी जी, और साथ में जाकर गाय भी करनी पड़ता है वो कर लेते हैं। और आज ये सुभाष जी हमारे मेंबर बने ने, जी जी, उन उस खुशी में सब सारा शहर का संदेश में योगदान होता है जो भी हुआ होता है ना जी। तो इसलिए शुभकामनाएं आपको, अच्छा काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम अब बात भी करेंगे जो यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं और लगातार जो कीर्तन कर रहे हैं, और कुरुक्षेत्र से जो मंडली आई हुई है इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। जो गौ पाला करते हुए कुत्ते पालने लगे, कुछ और पालने लगे, इसलिए गौ को घरों में सम्मान देना चाहिए। तो ये कार्यक्रम इसीलिए आज बड़ा ही धार्मिक और पवित्र आयोजन आपके बीच में अपने इस रामनगर के इस पवित्र स्थान पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कीर्तन कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? जसविंदर आर्य। जसविंदर आर्य जी, कहाँ से आई आपकी जो मंडली है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ओर से। जी, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है, वैसे तो ये कार्यक्रम जो आज का है वो गौ माताओं के चारे की व्यवस्था के लिए, जो गौवे आज सड़कों पर भटक रही हैं, जिनको पर्याप्त भोजन या उनको सहारा नहीं मिलता, सहारा रूप में हमारे यहाँ के जो साथी हैं मनोहर लाल जी और उनकी टीम ने ये आयोजन किया है और इसमें हमें आमंत्रित किया। तो हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तरफ से ऐसे ही कार्यों को करते हैं। हमारे जो गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, उनके माध्यम से पिछले 4 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट कैथल में हम प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हमारा मिला जुला प्रचार है। हम हवन का प्रचार करते हैं, गौ माता के पालन को बढ़ाने पर जोर देते हैं, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दो, माता पिता को जागरूक करते हैं, माँ बाप के जो है महत्व संतान को बताया जाता है। और जो आजकल बुराइयां समाज में आ गई हैं, जैसे नशा, जवान नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं या गलत आहार लेते हैं, उन सब बुराइयों को मिटा करके एक अच्छा समाज स्थापित करने की कल्पना लेकर के, कामना लेकर के गुरुकुल कुरुक्षेत्र के द्वारा हम ये कार्य कर रहे हैं। कैथल में कौन सा कार्यक्रम है? पहले कार्यक्रम है, ऐसे पहले भी किए हैं आपने? कैथल में हमें निरंतर 4 वर्ष हो गए हैं जी। तो हमने ऐसा कोई कैथल का स्कूल नहीं छोड़ा होगा जिस स्कूल में हम जाकर 1 घंटा बच्चों को नैतिकता आदि पे प्रेरित ना करके आए हों। और ऐसे बहुत परिवार, बहुत जो है संस्थाएं हैं जिनमें हम जाकर के हवन कर चुके हैं जी। तो लगातार हमारा रूटीन में नियमित चलता है ये कार्य। कोरोना काल के दौरान आपकी जो संस्था थी उसका क्या कुछ योगदान कैथल के लिए रहा था? कोरोना काल में हमने बहुत ज्यादा योगदान हमारी संस्था का रहा। हमारे पास वेद प्रचार वाहन है, उस वेद प्रचार वाहन में हमने हवन रखा, हवन कुंड में समीधाएं डाली, घी डाला और जला करके हवन कुंड को आपके कैथल की कॉलोनी, जितने भी सेक्टर हैं लगभग कॉलोनी और बहुत से गांवों में हवन यात्रा करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए और वायरस कीटाणुओं को मिटाने के लिए हवन से जो है कोरोना को मिटाने में समाज में थोड़ा सा सहयोग का कार्य किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे जो यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आए हुए थे और इनसे हमने बातचीत की है, और तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं आसपास के वो बैठे हुए हैं, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो दलिया है वो अब ये जो यहाँ से दलिया जो है बना करके कीर्तन के बाद गऊँ को देंगे, और जो सड़कों के ऊपर आवारा पशु घूम रहे हैं उनको देंगे, और साथ साथ में जो गौशाला है वहाँ पर भी देंगे। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे लेता हूँ। नमस्कार।